हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक कर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए न्यू मेकअप ट्यूटोरियल लाती रहूँ। तो टुडेज़ मेकअप ट्यूटोरियल इज़ ये मेकअप ट्यूटोरियल है जो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, हम अपनी आईब्रो फिल करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली मैंने अपनी आईब्रो को फिल करना स्टार्ट किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फर्स्टली मैंने अपने आईब्रो की आउटलाइन करनी स्टार्ट कर दी। इस आउटलाइन करने के बाद इसको हम फिल करेंगे दोनों आईज़ पर, सेम आईब्रो पर सेम प्रोसीजर करेंगे। उसके बाद मैंने एक एक्सपोली की हेल्प से इस प्रोडक्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरी आईब्रो एकदम नेचुरल सी लग रही है। उसके बाद मैंने आई प्राइमर लगा के ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट कर दिया और सेटिंग पाउडर लगाया है। उसके बाद मैंने एक पर्पल शेड लिया अपनी पैलेट में से, फिर मैंने उसको फ्रंट से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने एंड पर ब्लैक शेडो लेकर उसको अच्छे से ब्लेंड करी, क्योंकि पर्पल स्मोकी आइस मेकअप है इसलिए मैं ब्लैक शेड यूज़ करी। इन दोनों को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं अपना आईलाइनर लगा रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आईलाइनर को मैं आई शेडो के साथ एंडिंग तक लेकर आ रही हूँ, आपको भी सेम इसी तरीके से करना है। उसके बाद मैंने हाइलाइटर लगाया बॉन एरिया पर। फ्रेंड्स, जो मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ उसको मैंने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई किया, इनर कॉर्नर पर नहीं। सो आपको भी अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करना, जिससे कि आपकी आंखें बड़ी लगेगी। अगर आप इनर कॉर्नर पर लगाओगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने इनर कॉर्नर पर हाइलाइटर लगा रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। हाइलाइटर लगाने के बाद मैंने अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाया। इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब मैं अपना फेस मेकअप स्टार्ट करूँगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फेस मेकअप करने से पहले आपको अपनी स्किन अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए, उसके बाद ही आप मेकअप स्टार्ट करें। इसके बाद मैंने अपने फेस पर फाउंडेशन लगाया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इस फाउंडेशन को लगाने के बाद मैं इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ब्लेंडर हमेशा टैप टैप करके ही यूज़ करना है आप लोगों ने अपने फेस पर। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फ्रेंड्स, मैं अब एक लूज पाउडर लूँगी तो मैं अपने बेस को सेट करूँगी, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो हमारा जो बेस है वो अच्छे से सेट हो चुका है, तो अब मैं अपने फेस पर बेस को अच्छे से सेट करूँगी विद द हेल्प ऑफ लूज पाउडर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं अपने फेस पर बेकिंग कर रही हूँ। तो सारे प्रोडक्ट को बेक करने के बाद मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी। इसके बाद अब मैं अपने फेस पर कंटूरिंग करना स्टार्ट करूंगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने पाउडर ब्लश यूज़ किया, कंटूर यूज़ किया है। इसको अच्छे से ब्रश के साथ ब्लेंड कर दूंगी। इसको ब्लेंड करने के बाद मैं अपने फेस पर ब्लशर अप्लाई करूँगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ब्लशर को फ्रेंड्स आपको टैप टैप करके लगाना है। अगर आप ब्रश डायरेक्टली अपने फेस पर रब करोगे तो उससे आपका पैची सा लुक आएगा। उसके बाद मैं अपनी नोज़ कंट्रोल कर रही हूँ, एंड में मैंने हाइलाइटिंग कर दी है बोन एरिया पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं अपनी लिप्स को फिल कर रही हूँ। मैं अपने लिप्स को फिल करने के लिए ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इट ब्रश इज़ अ वेरी हेल्पफुल बिकॉज समटाइम हमारे पास लिपस्टिक के सेम सेट की लिप लाइनर नहीं होती, तो मैं इस तरीके से उसी लिपस्टिक के साथ आउटलाइन करके उसको फिल कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स टू टाइप ऑफ लिपस्टिक को मिक्स किया, जिससे एक अच्छा सा प्रीटी सा शेड आया है। फर्स्ट मैंने ब्राउन लिपस्टिक यूज़ की थी, उसके बाद न्यूड। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। तो इसका फाइनल लुक आपको एंड में दिख जाएगा कि कैसा लग रहा है। आई होप यू